सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं VMC और HMC मशीन की टूलिंग के बारे में। कौन कौन सी टूलिंग हम यूज़ करते हैं, क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशन है, कैसे हम इनका सिलेक्शन करते हैं और कैसे हम इनकी जो है सेटिंग करते हैं, तो ये सारी डिटेल जो है हम इस वीडियो सीरीज़ में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ VMC और HMC मशीन में यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में। यहाँ पर जो है हमने कुछ टूल्स रखे हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हम टूलिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी मशीन को सेलेक्ट करने के लिए, उसके स्पिंडल में लगने वाले टूल होल्डर के बारे में। देखिए, सबसे कॉमन चीज़ जो होती है वो उसका टूल होल्डर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टूल होल्डर में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना होता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है टूल होल्डर VMC मशीन में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये टूल होल्डर का नाम क्या है? ठीक है, जनरली तो आपको जो है जिस टूल होल्डर केस में आपको जो है ये स्पेसिफिकेशन कंपनी की तरफ से मिल जाता है, उस पर लिखा होगा BT30, BT40 या BT50। ठीक है, उसके बाद जो है उसके आगे लिखता है कि ER25 या 30 या 16। ये ER16, 25 ये क्या होता है? उसके बाद जो है 150L, 250L, 350L या 100L, ये ऐसी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। बट जब आप मशीन पे डायरेक्ट जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपको सिर्फ होल्डर मिलता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, ये जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है, जैसे कि ये BT40 का है, ठीक है, उसके लिए जो है आपको एक चार्ट फॉलो करना पड़ता है। मैं चार्ट आपको जो है आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे BT40 D1 1.750, ठीक है, ये इंच में दी हुई है और 44.45 जो है ये mm में है डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद देखिए D2 जो है 63 और आपका जो है F, ये जो वैल्यू दी है 27, A की वैल्यू दी है 2 और G दिया है थ्रेड, ठीक है, M16। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, D1 क्या है, D2 क्या है, D3 क्या है? ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ। ठीक है, D1 जो है आपका ये वाला जो डाया है, ये D1 है, ठीक है, ये वाला जो डाया है D1 है। अगर इस रेंज में आता है तो आप पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है टूल होल्डर है। यहाँ पर मैंने जो है BT40 यूज़ किया है, इसलिए मैंने आपको जो है डायरेक्ट BT40 का जो है स्पेसिफिकेशन दिखाया है। ठीक है, D3 जो है आपका, ये आपका माइनर डाया होता है, ठीक है, यानी कि ये वाला डाया, अगर आप ये डाया चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो दी होगी। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको एक चीज़ चेक करनी है तो इनका जो है रेशियो निकालना होगा। BT का मतलब जो होता है वो होता है टेपर वैल्यू। टेपर होता है ये, यहाँ पर जो टेपर दिया होता है इसका एक स्टैंडर्ड रेशियो है, 7:24 का जो है रेशियो आपको मिल जाएगा, तो ये जो है BT स्पेसिफिकेशन का जो है आपका टूल होल्डर है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बाकी और डायमेंशन भी दी हुई है, जैसे कि F दिया हुआ है, LGT दिया हुआ है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, इसका एक चार्ट आपको जो है मैंने वहाँ पर दिखाया है, ये जो आपका चार्ट है इसके हिसाब से ही जो है ये होगी। उसके बाद देखिए जी जो वैल्यू दी हुई है वो ये होता है, यहाँ पर जो थ्रेडिंग होती है वो M16 की होती है BT40 में। ठीक है, यहाँ पर लगता है आपका पुल स्टड, ठीक है, पुल स्टड भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो होता है पुल स्टड होता है, ये यहाँ पर जो है टाइट होता है और ये स्पिंडल के अंदर जो है इसको ऊपर की तरफ जो है इंगेज करके रखता है। ठीक है, पुल स्टड इसको बोलता है, ये इस टूल होल्डर को ऊपर की तरफ इंगेज करके रखता है जिससे कि टूल जो है मूव ना करे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये टेपर वैल्यू यहाँ पर क्यों दी होती है। सबसे पहला सवाल यही आएगा, इंटरव्यू में भी जो है आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टेपर वैल्यू इसलिए दी जाती है ताकि जो है इसका कॉन्टैक्ट एरिया जो है बढ़ जाए। अगर आप ये स्ट्रेट बनाएंगे तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा, अगर आप ये टेपर वैल्यू बनाएंगे तो यहाँ पर जो है इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतनी जो है इसमें स्टेबिलिटी आएगी। होल्डिंग डिवाइस में सबसे ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए जो है यहाँ पर टेपर वैल्यू दी जाती है।
और ये टेपर वैल्यू कितनी होती है, 7:24 का जो है इसका टेपर रेशियो रहता है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने जो है VMC और HMC प्रोग्रामिंग बुक के टूलिंग सेक्शन में हमने जो है ये पूरी डिटेल दी हुई है इसकी, ठीक है। ये तो हो गया आपका टेपर वैल्यू। दूसरा, यहाँ पर जो है दो रिसेस दिए जाते हैं, ये जो ग्रुप बने हुए हैं ये एक्चुअल में टूल को जो है टाइट करने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो है टूल होल्डिंग डिवाइस के अंदर जो है इसको रखा जाता है। मैं टूल होल्डिंग डिवाइस भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये जो है आपका टूल होल्डिंग डिवाइस है। इसके ऊपर जो है यहाँ सेंटर में जो है आप इसको रख देंगे तो ये जो है ग्रूव के अंदर ये दोनों इंगेज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये जो इंगेज हो जाएंगे वहाँ पर जो है आप इसको ऊपर से इसका जो ऊपर का जो नट होता है, नट और ईयर कॉलेट, वो इस पर लगा के टाइट कर सकते हैं, ठीक है। टाइट करने के लिए आपको जो है रेंच यूज़ करनी होती है, रेंच भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है आपकी ये रेंच होती है और ये यहां पर जो है ये नट है, नट भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये जो नट है ये फ्लश टाइप का नट है, ये नट जो है यहां पर जो है टाइट किया जाता है। इसके अंदर जो है आपको ईआर कॉलेट लगाना होता है, ईआर कॉलेट का जो साइज होगा वो स्टैंडर्ड होगा, आप सिर्फ और सिर्फ एक टूल होल्डर के अंदर एक ही टाइप का जो है ईआर कॉलेट लगा सकते हैं। अब मैं ईआर कॉलेट भी आपको दिखा देता हूं, ये होता है आपका ईआर कॉलेट, ठीक है। ये ईआर कॉलेट के अंदर जो है आपको कोई भी टूल लगाना है, चाहे आपको टेप लगाना है, चाहे आपको एंडमिल लगाना है, ड्रिल लगाना है, तो आप जो है इसके अंदर लगा सकते हैं। इसका जो आईडी है ये भी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है वेरिएशन थोड़ा सा हो सकता है, 1 mm या 0.5 mm तक का वेरिएशन होता है। ऊपर से आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है लाइनिंग होती है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकेंगे, तो यहाँ पर जैसे आप जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ लाइनें होती हैं, ये एक्चुअल में लाइनें होती हैं इसके अंदर से कूलेंट को पास कराने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो गैप दिया होता है, ये टेपर वैल्यू यहाँ पर आपको देखेगी, ये टेपर होता है। टेपर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिमम ग्रिपिंग फोर्स जो है यहाँ पर डेवलप हो पाए, और आपकी जैसे कि ये आपकी एंडमिल है, इस एंडमिल को जो है आपको इस ईआर कॉलेट के अंदर जो है डालना है, इस टाइप से जो है इसको डालते हैं और यहां से जो है इसको टाइट कर देते हैं। जैसे ही इसको प्रेस कर देंगे तो इसके ऊपर एक ग्रिपिंग फोर्स डेवलप होगा और ये जो है इसको ग्रिप कर लेगा टाइटली, ताकि जो है ये स्लिप ना करे जब हम इसको लगाएं। तो अब ईआर कॉलेट के अंदर ये टेपर वैल्यू होती है, यही टेपर वैल्यू जो है आपके टूल होल्डर के इस इनसाइड सेक्शन के अंदर होती है। यहां पर जो है आप देखेंगे जूम इन करके तो आपको दिखेगा, ये देखिए यहां पर जो है टेपर वैल्यू होती है, ठीक है। ये टेपर होता है, इस टेपर वैल्यू के अंदर जो है आपका ईयर कॉलेट ऐसे रख जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है चकनेट लगाते हैं। अब क्योंकि आपको जो है एक लगाने का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको टाइट करना है। कभी भी आप जो है ईयर कॉलेट को इसके ऊपर रख के और यहां पर जो है टूल लगा के जो है इस टाइप से अगर आप टाइट करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी नहीं लगेगा, ये एक गलत प्रोसीजर है। इसको लगाने का सही प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आपको टूल लगाना है तो सबसे पहले तो जो है आपको ये ईआर कॉलेट को जो है इस फ्लश नट के ऊपर जो है यहाँ पर प्रेस करना होगा, ठीक है। जब आप प्रेस कर लेंगे तो ये जो है इसके अंदर होल्ड हो जाएगा, ठीक है, आपको इस टाइप से दिखेगा। जब ये होल्ड हो जाए इसके अंदर तब आपको जो है टूल लगाना है इसमें, ठीक है। जब टूल लगा दिया आपने फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इस टूल होल्डर के ऊपर ऐसे लगाना है, ठीक है। उसको जो है स्लाइटली अपने हाथ से जो है टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद जब आपका जो है फ्री मूवमेंट ना हो तब आपको जो है यहाँ पर रेंच लगानी है। रेंच लगानी है, देखिए हेल्दी पर्सन है तो जो है उसको उतना टाइट कर सकता जब तक कि ये स्लिप ना हो, ठीक है, इतना टाइट आपको करना है। लेकिन इसका भी एक टॉर्क लगाने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसके ऊपर जो है कितना टॉर्क लगाना है इसका भी एक चार्ट है। जैसे BT40 है, इसके ऊपर अगर आपको टॉर्क लगाना है तो वो आप 100 N का टॉर्क लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई कमज़ोर इंसान है वो इसके ऊपर पावर लगाएगा तो उसकी जो ताकत है वो तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो इतना टॉर्क नहीं लगा पाएगा, उसको लगेगा कि जो है मैंने टाइट फुली कर दिया है। एक मजबूत इंसान है जिसके पास पावर ज़्यादा है वो अगर टाइट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइट कर देगा इसको, जिसकी वजह से इसके थ्रेड डैमेज भी हो जाएंगे, ठीक है।
तो एक लिमिटेड फोर्स लगाना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, रेंच के साथ में जो है टॉर्क रेंच यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप टॉर्क सेट कर दीजिए 100 न्यूटन का जो है आप टॉर्क सेट कर दीजिए और जो है इसको टाइट कर दीजिए। तो 100 न्यूटन के बाद जैसे ही इसमें 100 न्यूटन का फोर्स होगा टॉर्क रेंच के बाद, तो ये जो है स्लिप कर जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है 100 न्यूटन का टॉर्क आपने इसमें लगा दिया है, अब जो है आपका ये बिल्कुल सही तरीके से टाइट हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप ये बेसिक सा जो है आपका टूल का, ये टूल होल्डर में आपको जो है टूल लगाना है। यहाँ पर जो है आपका पुल स्टड लगता है M16 की, इसमें जो है थ्रेडिंग होती है, यहाँ पर पुल स्टड लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको टूल होल्डर को ऐसे करके आप जो है स्पिंडल में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब क्योंकि ईआर कॉलेट एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है इसके अंदर, तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ER25 का है, ठीक है, तो 25 का है आपको चेक करना है, तो आप क्या करिए, ER25 के अंदर भी जो है आपको अलग अलग आईडी के जो है टूल होल्डिंग के लिए आईडी जो है यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। कितने आईडी का है देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे लिखा हुआ है ER25-8, यहाँ पर जो है ER25-8 लिखा है, तो ये 8 mm का जो है इसमें टूल लगा सकते हैं। इस टूल होल्डर के जो अंदर हमने ER25 ही लगाया है, उसके अंदर जो है हम 10 mm का जो है ये एंड मिल लगाया हुआ है। इसमें हम चेक करा देते हैं आपको, जी हाँ, ये 10 mm का जो है ये यहाँ पर टूल हमने लगाया, तो ये 10 mm का ER25 है। ER कॉलेट की जो आईडी है वो 10 mm की है, ठीक है। तो ER25 ही इसके अंदर लगेगा, BT40 का टूल होल्डर हो गया, इसके अंदर ER25 का जो है ईआर कॉलेट लगेगा, और ईआर कॉलेट के अंदर जो है अलग अलग डाया के जो है आप इसके अंदर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि यहां पर जो है एक ये जो है एंड मिल है, इसका डाया देख लेते हैं, इसका डाया जो है 5 mm है, ठीक है, ये 5 mm की जो है एंड मिल है, ठीक है, 5 mm इसका जो है शेंक का डाया है। तो इसके लिए जो है हमको ईआर कॉलेट लगाना होगा, ER25 भी लगेगा लेकिन 5 mm आईडी का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 mm आईडी का हमको ईआर कॉलेट ER25 लेना होगा। ER25 क्या है, ER25 इसका साइज है ओडी साइज है, ठीक है। अब इसी तरह से अलग अलग साइज के जो है ईआर कॉलेट्स आते हैं, ER16 का आता है, ER18 आता है, ER25 आता है, ER40 आता है, ER50 भी आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग साइजेस के जो है आपको ईयर कॉलेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं कुछ चीजें और भी आपको जो है इसके साथ में दिखा देता हूं, जिससे कि आपको जो है एक बेसिक आइडिया लग जाए कि जो आप ईयर कॉलेट यूज करेंगे या फिर आप जो टूल होल्डर यूज करेंगे उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। यहां पर देख लीजिए, ये आपका जो है टूल होल्डर को जो टाइट करने का जो डिवाइस है, यहां पर जो है आप टूल होल्डर को फिक्स कर सकते हैं और रेंच को लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपको यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपका चार्ट है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें जो है फोर्स लगाना है। ER25 में जो स्लॉटेड टाइप का अगर नट है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो है स्लॉटेड टाइप का नट है, इसके ऊपर जो है आप 77 फिट पर पाउंड का आप जो है इसमें फोर्स लगा सकते हैं। और यहां पर जो टॉर्क रेंच अडेप्टर यूज करेंगे वो आप देख सकते हैं, ये दिया है उसका स्पेसिफिकेशन नंबर 4603, ये जो है आपका स्पेसिफिकेशन नंबर है, इस नंबर के अकॉर्डिंग जो है आप इसमें जो है टॉर्क रेंच यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है अलग अलग ईआर कॉलेट के हिसाब से, जैसे 16 का है तो इसमें जो है आपको 42 पाउंड, ठीक है, इसमें जो है आप 42 फिट पर पाउंड का जो है आप इसमें फोर्स लगा सकते हैं, 30 फिट पर पाउंड का जो है आपको इसमें फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है, आईडी का, और ऑर्डर रेंच नंबर ये है। तो इस टाइप से जो ये आपका जो चार्ट है, ये हमने पूरा का पूरा चार्ट है, इस टाइप के अलग अलग चार्ट है वो हमने आपको जो है अपनी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, और अपना स्पेसिफिकेशन डेटा जो है हमने अपनी ऐप के अंदर भी आपको शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये डेटा जो है बहुत ही स्टैंडर्ड डेटा है, और यहाँ पर देख सकते हैं रिटेंशन नॉब अगर आपकी जो है BT30 टेपर के साथ में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं रेंच जो है आप फ्लैट यूज़ करेंगे 0.535 इंच की, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगाएंगे वो है 36 फुट पर पाउंड का जो है आप इसमें जो है टॉर्क लगाएंगे, ठीक है। ISO 30 के अंदर जो है आप यहाँ पर लगाएंगे 36 फिट पर पाउंड का लगाएंगे, और 40 एनी टेपर, मतलब BT40 है, चाहे आपका CAT 40 है या फिर आपका HSK 40 है, तो
उसमें जो है आप यहाँ पर लगाएंगे 76 फुट पर पाउंड का, ठीक है। तो वही अंदाज़ा आपका जो है लगभग ये रहता है कि यहाँ पर जो है लगभग 100 न्यूटन का जो है आप फोर्स यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो BT50 है, कैट 50 है, तो ये आपको जो है अलग अलग टूल होल्डर के हिसाब से जो है आपको एक स्पेसिफिकेशन चार्ट जो है यहाँ पर सेट करना होता है, ठीक है। ये चार्ट जो है अब उसी हिसाब से जो है आप इसमें फोर्स लगा सकते हैं। जो देखिए जो ताकतवर है, जो इंसान ताकतवर है उसके ऊपर जो है फोर्स ज़्यादा ही लगेगा, वो टाइट इसको सही तरीके से कर लेगा। लेकिन जो जो ऑपरेटर जो है कमज़ोर है, ठीक है, जो हल्की बॉडी के हैं, जिसके पास कम पावर है, वो कितना फोर्स लगाएंगे, उनको जो है कैसे कैलकुलेट करना है, उनको जो है अपना टॉर्क सेट करना है। अगर कोई जो है 60 फुट पर पाउंड का जो है टॉर्क लगा पा रहा है, तो उसको जो है ध्यान रखना है कि मुझे थोड़ा सा टॉर्क और लगाना है, जब तक लगाना है जब तक कि जो है ये स्लिप ना हो जाए, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टॉर्क रेंज का जो है स्पेसिफिकेशन चार्ट जो है यहाँ पर बनाया जाता है। टूलिंग आपको स्टैंडर्ड यूज़ करनी है। टूलिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम जो है अगर हम एक स्टैंडर्ड टूलिंग नहीं यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि सैंडविक है, कैनामेटल है, ये बहुत ही महंगी टूलिंग जो है होती हैं, तो इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर इतनी महंगी टूलिंग यूज़ नहीं होती है। लेकिन हम चाइना के और सैंडविक के बीच का लेवल एक बहुत अच्छी टूलिंग आपको मिलती है, वो आपके जो है स्विट्जरलैंड की जो है टूलिंग आप सेलेक्ट कर। तो ये तो बात हो गई आपके टूल होल्डिंग डिवाइस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप के जो है हम एंड मिल यूज़ करते हैं, फेस मिलिंग कटर यूज़ करते हैं, शोल्डर मिल कटर यूज़ करते हैं, क्या क्या उनका जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी एप्लीकेशन में हम जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप के कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं जो हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।